हाय माय फ्रेंड्स, मेरा नाम केडी सिंह शेखावत, रेरा सर्टिफाइड रियल एस्टेट एडवाइजर। आप सभी का स्वागत करता हूं आज मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 10 रीजंस की कि आपको क्यों रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। शुरुआत करते हैं। नंबर 1, लैंड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ। मतलब जमीन, प्लॉट इस पृथ्वी पे सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एक लिमिटेड है, क्योंकि ज़मीन को आप बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। और इस जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, हमें कहीं ना कहीं डे बाय डे प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ वगैरह बढ़ती जा रही है, उनकी रेटें बढ़ती जा रही हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेकेंड नंबर पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्यों आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये एक ट्रस्टेड एंड टेस्टेड इन्वेस्टमेंट है, जो कि हमने किया, हमारे पेरेंट्स ने किया, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने ज़मीन ले ली, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने भी ज़मीनों में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा। नंबर 3, 80% जो भी आपकी नेटवर्थ है, टोटल नेटवर्थ है, उसका 80% आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी या ज़मीनों से होता है। आपका जो भी जमीन जायदाद की वैल्यू है, टोटल वैल्यू उसको मिला लें, उसमें 80% कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट का ही होता है। नंबर 4 होता है कि आप एक इजी इन्वेस्टमेंट, आप इसको कह सकते हैं रियल एस्टेट को, कि इसमें आपको ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, कुछ नहीं होती है इसमें, कुछ ना आपको ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है, जैसे कि आपको मार्केट की स्टडी करनी होती है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ बहुत सिंपल है, आपको एक अच्छी सी लोकेशन पे एक अच्छा सा प्लॉट, अच्छी सी प्रॉपर्टी आपको चूज़ करनी होती है और सिंपली आप उसमें एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 5, आपके जो भी लॉन्ग टर्म जो भी आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो इज अचीवेबल हो सकते हैं अगर आप स्मार्ट वाइज एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए एक रियल एस्टेट में, आप एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, या उनकी शादियों के लिए एक इन्वेस्टमेंट कर दें। कहीं ना कहीं आज की 15 साल बाद में जितना पैसा आपकी बच्चों की शादी के लिए चाहिए होगा, उस टाइम तक वो प्रॉपर्टी अपने आप को ग्रो कर लेगी। नंबर 6 इज लो रिस्क, बिकॉज रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट लो रिस्क इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये ना तो गलती है दोस्तों, ना ये चोरी की जाती है, ना इसको उसको नुकसान होता है, तो इसमें बहुत ही कम रिस्क है। इसमें डिप्रिसिएशन वैल्यू तो 0 से भी कम बता रहा हूं मैं आपको दोस्तों, क्योंकि अगर आप खुद भी एग्जांपल उठा के देख लीजिए कि आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले किसी प्लॉट या प्रॉपर्टी की क्या कीमत थी और आज वहां पे क्या कीमत है, तो नो डाउट मतलब इसमें 0 रिस्क है। 100% इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं अगर आपके पास में ओनली 25% आपके लिक्विडिटी है, कैश है, कैश लिक्विड है, तो उससे आप जितना मर्जी चाहे 100% तक का आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं और आपके पास 2-2.5 लाख रुपए हैं, तो आप इसीलिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको डाउन पेमेंट पे 2-2.5 लाख रुपए आपको देने होते हैं, उसके बाद में बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है वो लोनेबल हो जाता है, लोन हो जाता है। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आपको JD अप्रूव्ड और RERA अप्रूव्ड ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सेफ साइड रहते हैं। इसके बाद में जो 8वां पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है रिकरिंग एंड अप्रिशिएबल, आपके एक इनकम स्टार्ट हो जाती है। रिकरिंग का मतलब है लगातार, साल दर साल आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, आपकी प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, उसको अप्रिशिएशन मिलता रहता है, उसकी प्राइस बढ़ती रहती है। इसके बाद में अब मैं 9 नंबर का आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने रियल एस्टेट जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसको आप यू कैन यूज एज ए सेकेंड होम। जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसको आप एज ए सेकेंड होम आप भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट वन है साइलेंट इनकम पार्टनर। दोस्तों, आपको पता ही नहीं चलता कब आपने इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख रुपए का, और कुछ टाइम के बाद में ही वो धीरे धीरे 24 आवर्स, क्योंकि देखो हर चीज़ के ऊपर आपको रिटर्न मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो 10 लाख की प्रॉपर्टी थी अगले साल वो 11.5 की हो गई है, 2 साल बाद में वो 12.5 की हो गई है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये आपको एक इनकम देता रहता है।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की रियल एस्टेट से संबंधित नई वीडियोस डेली देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।